और आपके साथ मैं हूं फराह खान। दिल्ली के जामिया इलाके में एक बार फिर फायरिंग होने का आरोप लगने के बाद अफरा तफरी मच गई है। बताया गया कि फायरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 के पास की गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट के पास लंबे समय से धरने पर बैठे छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की और उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। जो गाड़ी का नंबर है, जो चीज आई है, मैं उसे काम करूंगा। वहीं फायरिंग का आरोप लगा रहे लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जामिया नगर थाने के बाहर पहुंच गए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद लोगों की शिकायत पर पुलिस ने फायरिंग का केस दर्ज करने का दावा किया। स्टेटमेंट के बेस पे 307 और 27 आम सेट का केस रजिस्ट्री अभी हो रहा है, एफआईआर नंबर भी उसका बता दिया गया है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग चिन्मय बिस्वाल के काम से खुश नहीं था। चिन्मय बिस्वाल की जगह एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश को डीसीपी का चार्ज सौंपा गया है। शाहीनबाग का इलाका दक्षिण पूर्व दिल्ली में ही आता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सामूहिक विवाह समारोह में जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि आदिवासी जोड़ों की शादी के लिए विश्व हिंदू परिषद ने इस समारोह का आयोजन किया था, जिसकी जानकारी मिलने पर आदिवासियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले एक संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और शादी में आदिवासियों की रस्मों की अनदेखी का आरोप लगाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने शादी के लिए बने मंडप भी तोड़ दिए, जिसके बाद शादी का विरोध कर रहे लोगों की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू हो गई। शादी का विरोध करने पहुंचे कुछ लोगों के पास धनुष और बाण भी नजर आए। हालांकि काफी देर तक हुए हंगामे के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने शादी का विरोध कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद शादी का विरोध कर रहे लोगों ने वहां से गुजर रहे नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और हाईवे पर ही प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और कड़ी सुरक्षा के बीच आदिवासी जोड़ों की शादी करवाई गई। दिल्ली के बुराड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर साथ नजर आए। इस दौरान अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और काम कम और बातें ज्यादा करने का आरोप लगाया। हमने नागरिकता देने का फैसला किया, केजरीवाल जी विरोध कर रहे और गर्व से कहते हैं दंगे कराए उन्होंने। दिल्ली में दंगे हुए थे, दो दिन देखा था ना, दिखा था या नहीं देखा था? गर्व से कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। आप शाहीन बाग के साथ हो? जोर से बोलो, शाहीन बाग के साथ हो? मित्रों, ये दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकती। जाति जाति के बीच में, धर्म धर्म के बीच में, राज्य राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा लगाना, ये इनका स्वभाव है। ये दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली सबकी है, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग पूरे देश में जाते हैं। अगर यही बात हमने छोड़ दी तो देश कैसे बच जाएगा? वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और दिल्ली में विकास नहीं करवाने का आरोप लगाया। जो भी लोग बुराड़ी के लोग हैं आज यहाँ बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है? कौन सी सड़क है? आखिर क्या काम कर रहे हैं? 5 साल से काम करने का मौका मिला है, कहाँ सड़क का निर्माण हो रहा, कहाँ कुछ काम हो रहा? पानी की बात करते हैं, पानी ठीक नहीं है, और जो लोग भी अभी बोल रहे थे, क्या स्थिति है? तो कौन सा काम कर रहे हैं? न सड़क का काम कर रहे हैं, न कोई बिजली की स्थिति ठीक कर रहे हैं, न पानी ठीक से पहुंचा रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको बिहार के बारे में? अरे भाई, हम लोग तो बिहार में इतना सड़क बना दिए, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, टोला को सड़क से जोड़ दिया, अब हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण करवा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा? कहाँ है सड़क? अंदर में नाली से होकर के लोगों को जाना पड़ता है, ये बुरा हाल है।
वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन को मजबूती देने के लिए स्क्वाड्रन से 2000 और जवान जुड़ गए। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में वायुसेना के कमांड हेडक्वार्टर में तैनात 2000 जवानों को फील्ड ड्यूटी पर भेज दिया गया और इस फैसले से वायुसेना की ताकत में 20% का इजाफा हुआ है। बताया गया कि इससे लड़ाकू स्क्वाड्रन की ऑपरेशन क्षमता तो बढ़ेगी, दूसरे जवानों पर दबाव भी कम होगा। खबर है कि पिछले साल हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है और यही वजह है कि वायुसेना ने अपने बेड़े में कई मिसाइलों को भी शामिल किया है। बीजेपी सांसद ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना रावण से कर दी। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को छोड़कर और पाप का सर्वनाश कर दिया था। केजरीवाल जैसे झूठे प्रवृत्ति के लोगों का सर्वनाश कराने के लिए तीर को चलाना पड़ेगा। रावण का वध जैसे किया था, एक और रावण पैदा हो गया। कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, कहता था ना मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और साइन पार्क पर भारत तेरे टुकड़े गैंग को कहता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान ने फायरिंग रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने इससे पहले बांदीपुरा में भी गोलीबारी की, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में रिहायशी इलाके में घुसे एक भालू को पकड़ लिया गया। ये भालू पिछले 10 दिनों से कई लोगों पर हमला कर रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में कर लिया। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पिंजरे में बंद भालू को देखने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो वन विभाग की टीम के साथ पिंजरे पर ही चढ़ गए और वन विभाग की कामयाबी पर जोश में भर गए। लोगों ने भालू को पकड़े जाने पर आतिशबाजी भी की। इसके बाद वन विभाग की टीम ने बर्फ से घिरे रास्ते के बीच से पिंजरे में बंद भालू को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भी भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा। बताया गया कि भालू की दहशत की वजह से इलाके के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पिछले 10 दिनों से हमारी 2 टीमें, एक्चुअली हमने त्राल से भी टीम मंगवा ली थी, स्पेशलिस्ट है वो, इसको ट्रांकलाइज करने के लिए, और आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो गए। बताया गया कि जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के जंगलों में रहने वाले जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरते गिरते बच गई। बताया गया कि कार के ड्राइवर ने जानबूझकर उसे पुल से गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नदी में गिरने की बजाय पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका था और कार किसी भी वक्त नदी में गिर सकती थी। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पुल से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और उन्होंने कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उसमें 4 लोग सवार थे, 4 लोग सुरक्षित है, सबको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। गाड़ी लटकी हुई, उसको अभी रेस्क्यू करा रहे हैं। बताया गया कि कार चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दिल्ली के बदरपुर में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आर्टिकल 370 के बहाने केजरीवाल और राहुल गांधी पर हमला बोला। योगी ने दावा किया कि आर्टिकल 370 का सबसे पहले विरोध राहुल गांधी और केजरीवाल ने किया था और आर्टिकल 370 हटने से केजरीवाल और पाकिस्तान को दर्द होता है। केंद्र की कोई भी योजना दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने लागू होने ही नहीं दिया और उसका परिणाम है किसान किसान सम्मान निधि से वंचित है, प्रत्येक नागरिक आयुष्मान भारत की योजना से वंचित है, जिन गरीबों के पास मकान नहीं हुए मकान से वंचित हैं, जिन गरीबों के पास शौचालय निर्माण की सुविधा नहीं हुए उससे वंचित हैं, और दिल्ली के अंदर सरकार में बैठे हुए श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली शाहीन बाग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर के दिल्ली के अंदर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पहले कार्यकाल में जो कहा सो किया और दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ उन्होंने पहले ही कहा था, पहला कार्यकाल गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए और दूसरा कार्यकाल
देश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आप सोचिए, धारा 370 कश्मीर में समाप्त होती है, पीड़ा पाकिस्तान को और केजरीवाल को होती है। उत्तराखंड के चमोली में एक गांव के लोगों ने बीमार आदमी को कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। बर्फबारी की वजह से चमोली के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से एक बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने दो लाठियों पर कुर्सी बांध कर बीमार आदमी को उस पर बिठाया और कंधों पर बैठा कर अस्पताल ले गए। इस दौरान गांव के लोगों को पहाड़ों पर पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा और इसी तरह कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद इन लोगों ने बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी और भारी चट्टानों वाले रास्ते से ले आकर के हमें उनको आज रोड में पहुंचाया गया और करीब करीब रोड की दूरी यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है। बर्फबारी की वजह से चमोली के कई इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।